मलका का कढ़ाई गोश्त मसाले से हम जो है हांडी बना रहे हैं, और उसके बाद हम चिकन जो मैंने यहाँ बॉईल की हुई थी आप लोग। अच्छा, आपने इसमें कौन सा नमक डाला? मैंने अभी नमक नहीं डाला, मैंने अभी जो है मलका का अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अच्छा, हाँ जी। और आज आप मसाला भी मलका का ही यूज करें जी। मुझे और मलका का क्यों नमक आप यूज करती हैं और गार्लिक क्यों यूज करती हैं? बिकॉज इट्स वेरी इजी, यहाँ पे आप कुछ छूट नहीं सकते, आपको जल्दी से मिल जाएगा मलका का ये अदरक का ये लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, और दूसरा ये कि जो मसाले हैं इनके वो भी टेंशन फ्री हो के आप घर में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी जो मिकदार है मसालों की वो बहुत बराबर है, चाहे नमक हो चाहे मिर्च हो स्पाइस हो, तो बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए मैं जो है ना चूज़ यही करती हूँ हमेशा से कि मलका का मसाला। ये है मलका के गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये आप मंगवाएं, कोई जरूरत नहीं है, आप 10,000 बंदों को जगाएं, बीच में कुटो कुट लगाई हुई आपने घर में, जो जिनकी नींदें हराम, मोहल्ले वाले आपसे परेशान, फॉरगेट इट, नहीं करें डॉक्टर साहब, आप ये ना कुटो कुट करवाएं घर में, चलें आज से बंद, आज से बंद करें आप। और ये मलका का मसाला हम डालने लगे जी। मैं इसका यही कहती थी कि इतने बराबर इसमें मसाले होते हैं, नमक मिर्च वगैरह की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि अच्छा नमक ज़्यादा हो जाएगा, मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त इसकी जो और फ्रेशनेस मसालों की बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इतनी देर फारी बैठे थे, आप वो कर ले, क्योंकि अब पता है आपके लिए बहुत एक चीज हो गया ना, आप लोगों ने इनके साथ बहुत आसानियाँ कर दी। गार्लिक पेस्ट आप इनको दे रहे हो, मलका के मसाले आप इनको दे रहे हो, तो आसानी अच्छी नहीं लग रही, पुटान करके ये सारा कुछ, क्योंकि मलका ने इनकी जिंदगी आसान कर दी है। नमक भी डाल लेगी वो मलका का, मलका के मसाले भी डाल लेगी, गार्लिक पेस्ट डाल लेगी, इतनी देर में पराठे बना लेती अलशफा के जी। दिन में खवातीन के पास इतना वक्त नहीं होता जो मेरी जैसे काम करने वाली खवातीन है, अगर उनको कभी घर जा, वैसे तो मैंने घर जाके कभी इतने इनके दो हिस्से भी ना किए, लेकिन अगर कभी घर जाके बनाना पड़ जाए तो फिर इस तरह की चीजें आसानी से रख सकते हैं।